नमस्ते बच्चों, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सातवीं कक्षा द्वितीय भाषा का तीसरा पाठ लेकर आई हूँ, जिसका नाम है हिंदी दिवस। सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं। रास्ते में मिलती है, बातचीत करती हुई चलती है। रोजी, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? सरिता, अपने विद्यालय से। कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। रोजी, अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है? हाँ, कल 14 सितंबर है ना, इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी गीत सिखा दो ना। रोजी, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। सरिता, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? रोजी, हमारे अध्यापक ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। रोजी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक है, लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? सरिता, तो सुनो, अभिनय करते हुए बताती है। प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, सहपाठियों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सरिता ने भाषण में और क्या क्या कहा होगा? तो बच्चों, ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। अब अगले पाठ के बारे में मेरे अगले वीडियो में जानेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।